आ चुके हैं हम अपने पीसी पर। तो ये है टूल का सेटअप, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस पर डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल हो जाएगा। छोटा सा सेटअप है, ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है और थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके पीसी में इंटरनेट कनेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है इस टूल का, जो कि देख सकते हैं मगवा FRP टूल वर्जन 2.1 ये है। और यहाँ पर बाय क्रेडिट का ऑप्शन दे रखा है, तो आप यहाँ पर बाय भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो मैंने एक नंबर दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको इसे लॉगिन कर लेना है, रजिस्टर पर क्लिक करना है, और रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद इसे आपको यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं रजिस्टर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर बता देता हूँ कैसे आपको क्या करना है। तो रजिस्टर करने का तरीका ये है कि यहाँ पर ईमेल आईडी देना है और पासवर्ड में पासवर्ड डाल देना है, कोई भी पासवर्ड डाल देना है जो आपको याद रहे। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये रजिस्टर कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखा देगा, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पर लॉगिन भी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉगिन भी एक ही बार में हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर योर करेंट क्रेडिट 0 दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्रेडिट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं फटाक से क्रेडिट ले लेता हूँ, उसके बाद आपको सेट अनलॉक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रीड डिवाइस इन्फो ले सकते हैं MTP मोड में, जो कि फ्री है। और यहाँ पर जो FRP है और सैमसंग अकाउंट है उसका चार्ज लगेगा। अब यहाँ पर MTP मोड क्या है उसके लिए बता देता हूँ कि आपको सेट को ऑन मोड में लगा देना है, वो ऑटोमेटिकली MTP मोड में ही जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी डाउनलोड मोड में नहीं ले जाना है, ना ADB इनेबल करना है, ना कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको USB लगा देनी है। तो यहाँ पर मैं क्रेडिट ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर अनलॉक करके दिखाऊंगा एक सेट को। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको क्या करना है कि सेट को ऑन मोड में लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसे डाटा केबल को आपको डायरेक्ट लगा देना है कुछ इस तरीके से, और इसे आप कैसे ही रख देना है देख सकते हैं। उसके बाद जो काम होगा वो पीसी पर होगा। पीसी पर यहाँ पर शो कर दिया है मॉडल, उसके बाद यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर फोन को हम ऑन करके देखते हैं। यहाँ पर ऑन तो है थोड़ा, यहाँ पर अभी नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, तो इसे हम एक बार रीबूट कर लेते हैं फोन को। उसके बाद यहाँ पर दिखाते हैं कि इसकी जो FRP है वो बाईपास अनलॉक हुई है या फिर नहीं हुई है। तो सेट हमारा रीबूट हो रहा है। तो हमारा फोन यहाँ पर ऑन हो गया है, उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वाईफाई सेटिंग के लिए बोला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन जो हाइड था वो अनहाइड हो चुका है और ये आगे बढ़ चुका है। तो यहाँ पर जो हमारी FRP थी वो अनलॉक हो चुकी है। और यहाँ पर
काफी अच्छा लगा, यहाँ पे इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ी फोन के लिए और डायरेक्ट ये अनलॉक हो चुका है। और जो कनेक्ट करना पड़ेगा इंटरनेट वो पीसी में कनेक्ट करना पड़ेगा, आप चाहें तो फोन में भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर मेरे लिए फोन में तो जरूरत नहीं पड़ी। तो इस टूल को अगर परचेज करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रखा है, वहाँ से जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना अकाउंट एक्टिवेट करवा सकते हैं। और काफी सस्ता है, मुझे नहीं लगता इससे सस्ता कोई टूल हो, तो सबसे सस्ता टूल है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए और आप लोगों का भी इसमें फायदा हो, क्योंकि वेटिंग ना करना पड़े, कस्टमर भी खुश, आप भी खुश और रुपए की भी बचत। तो जो लोग FRP बाईपास नहीं करना चाहते या फिर हो नहीं पा रही है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट टूल है। तो इस वीडियो कर देना लाइक और चैनल पे न्यू तो चैनल को लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक।